एक्स्ट्रा टाइम। ऑनलाइन मिले, पसंद आए एक दूसरे को, चट मंगनी और पट ब्याह, ऐसा ही हुआ हमारे एक भारतीय क्रिकेटर के साथ। खिलाड़ी का नाम है शिखर धवन और उनकी मुलाकात हुई इंटरनेट पर पहली बार आयशा मुखर्जी से। हरभजन सिंह ने यहां जोड़ी मिलाने का काम किया था क्योंकि वो शिखर और आयशा दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे फेसबुक पर। शिखर को आयशा की प्रोफाइल दिखी और देखते ही लट्टू हो पड़े उन पर। उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और फिर शुरू हुआ बातों का दौर और ये पार्टनरशिप दोनों के बीच लंबी चली। फिर 2009 में शिखा और आयशा की मंगनी तय हुई, पर शिखर शादी से पहले अपने आप को इंडियन क्रिकेट टीम में पक्का करना चाहते थे, ये भी हुआ। और इसके बाद 2012 में शिखर धवन ने आयशा से शादी की। शादी के बाद तो उनका स्वैग लेवल अलग ही गदर काटने लगा। 2013 में उन्होंने फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई अपने पहले ही मैच में, मोहाली में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शानदार 187 रन सिर्फ 175 गेंदों में। लेडी लक शायद इसे ही कहते हैं। आयशा एंग्लो इंडियन परिवार से हैं, पिता भारतीय हैं और माँ उनकी इंग्लिश। उनको भारतीय खाना खाना और बनाना दोनों बहुत पसंद है। आयशा का जन्म तो इंडिया में हुआ था, पर जन्म के बाद उनका परिवार मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया चला गया। आयशा खुद जूनियर लेवल तक किक बॉक्सिंग खेल चुकी हैं, बंगाली और इंग्लिश फर्राटे से बोलती हैं। वैसे ये आयशा की दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से हुई थी और उस शादी से उनकी दो बेटियां हैं। जब शिखर ने उनसे शादी करने का सोचा तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बट उस वक्त शिखर की मां ने उनका बहुत सपोर्ट किया और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ पूरी पंजाबी शादी कायदे से हुई शिखर धवन और आयशा की। और हाँ, बारात में सबसे ज्यादा जम के नाचने वाले थे, यस यू गेस्ट इट राइट, विराट कोहली। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.